कर आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। दरअसल आपको बता दें कि 36 नेशनल गेम सूरत में होने जा रहा है। ऐसे में आज सूरत साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज राज्य गृह मंत्री हरसंघवी जो है यहाँ पर उपस्थित है और कई खिलाड़ियों का जो है उत्साह भी उन्होंने बढ़ाया। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स बरामद हो रहा है और गुजरात पुलिस जिस तरह से ड्रग्स यानी कि NDPS पर जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं गुजरात जो है राज्य सरकार और राज्य गृह मंत्री हरसंघवी बेहद उनकी जो है सराहनीय जो है आज उन्होंने बातें कही है। ऐसे में उन्होंने पंजाब के अलावा दिल्ली और कलकत्ता में जिस तरह से गुजरात पुलिस ATS पुलिस जाकर वहाँ से जो है आरोपियों को यानी कि एक्यूज को गिरफ्तार किया गया है और NDPS जो है ड्रग्स को जो जिस तरह से बरामद करके वहाँ पे आरोपियों को पकड़ा है, कहीं ना कहीं गुजरात की पुलिस को जो है एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में जा रहा है। यही वजह है कि आज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से कैंपस में आज नेशनल गेम्स को लेकर जो है यहाँ पर तमाम उपस्थित आपको बता दें कि सूरत से SMC सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बच्चा निधि पानी एंड सूरत कलेक्टर के अलावा कई और जो है यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्हीं के बीच जो है आज गुजरात राज्य गृह मंत्री हरसंघवी सोंगी ने जो है ऐलान करते हुए ने साफ कहा है कि जिस तरह से गुजरात पुलिस लगातार जो है NDPS पे काम कर रही है, NDPS को लेकर जो है हमेशा तत्पर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है एक बेहद सराहनीय जो है उनको कामगिरी मानी गई है। ऐसी बार बार जो है हरसंघवी ने उन्हें बधाई भी दी है। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।